आज 23 जुलाई 2019 है और मंगलवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2076 है और शक संवत 1941। सावन मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि है दोपहर 4:16 तक और उसके बाद सप्तमी तिथि है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है दोपहर 1:14 तक और उसके बाद रेवती नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं मीन राशि में। आज भद्रा है दोपहर 4:16 से देर रात 5:14 तक। गंड मूल है दोपहर 1:14 से। शुक्र कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं दोपहर 12:49 पे और शुक्र अस्त हो रहे हैं दोपहर 2:54 से। मेष राशि वालों का कामकाज में बहुत उतार चढ़ाव रहा है पर धीरे धीरे अब उसमें स्थिरता बननी शुरू हो रही है। आप आज भी असंतुष्ट हैं पर जिंदगी में कुछ भी करना है और पाना है तो अपनी चिंताओं को तो हटाना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? जिंदगी की रुकावटों को इस रूप से देखें कि उन्हें संभालने के लिए आपने क्या किया है। साथ ही साथ इस बात का भी मनन करें कि आपकी ओर से क्या क्या कमियां रही हैं, तभी जाके आप अपने हालात को संवार पाएंगे। जल्दबाजी में किए गए फैसले आपकी मुश्किलों को बढ़ा सकते हैं, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे, इसलिए बहुत सारा धैर्य भी बनाए रखने की। वृषभ राशि वालों को मुश्किलों का सामना करने की आदत बनानी पड़ेगी और भरोसा भी बनाए रखना होगा। इस बात की सच्चाई को कबूल कर लें कि मुश्किलों से जूझना ही जिंदगी का दूसरा नाम है। कामकाज से जुड़े दबाव को मुश्किल ना समझ के चुनौती समझ लिया जाए तो हालात आपके पक्ष में बन सकते हैं, सिर्फ नजरिए का फेरबदल। क्या करना चाहिए समूह? लोगों से विचारों का मतभेद बना रह सकता है और आपको इस बात का भी आभास है कि लोगों के विचारों में आपके प्रति बहुत सारी कमियां हैं, फिर भी हर चीज से कुछ ना कुछ सीखने की और समझने की कोशिश करनी होगी। मिथुन राशि वालों को लोगों से तालमेल बेहतर करने की कोशिश करनी होगी। अगर बार बार तकरार उभर रहा है तो उन कारणों को भी समझना होगा पर नकारात्मकता से सोचने से बचना होगा। आपकी मुश्किलों का एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि आपके साथी सहयोगी आपका पूरी तरह से साथ नहीं निभाना चाहते। कर्क राशि वालों के लिए पारिवारिक रिश्तों में दरार पैदा हो सकती है पर उसके पीछे कोई ना कोई ऐसा मुद्दा हो सकता है जिसमें भरोसे की कमी हो। कामकाज से जुड़ी चुनौतियों की वजह से भी आपकी आर्थिक स्थिति पर असर पड़ सकता है। क्या करना चाहिए समय? किसी प्यार के रिश्ते की ओर झुकाव बना हुआ है पर उसमें कुछ हासिल हो जाए ऐसा होना मुश्किल, इसलिए कई बार अपनी इच्छाओं को थाम लेने से ही फायदा होता है। कुछ उतार चढ़ाव जरूर बना रहे पर हालात फिर भी आपकी मदद ही करना चाह रहे। सिंह राशि वालों के लिए किसी प्यार के रिश्ते को लेकर आपका मन परेशान रहे ऐसा हो सकता है पर आपकी बढ़ती हुई इच्छाओं की वजह से भी आपने अपने लिए परेशानियां बढ़ा रखी हैं। ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है, जब भी इंसान किसी दूसरे से जरूरत से ज्यादा उम्मीदें लगाए तो भी अविश्वास की स्थिति पैदा हो सकती है। क्या करना चाहिए समय? घर परिवार की खुशियां बनाए रखना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए जबकि इस दिशा में कमी नजर आ रही। आप अपनों से जुड़ने के बजाय फासले बनाते चले जा रहे हैं जिसकी वजह से बहस छिड़ी रहे और आपकी मुश्किलें बढ़ें। एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए आपको बहुत कुछ संभाले रखने की जरूरत है, तभी जाके हालात आपके हित में बन पाएंगे। कन्या राशि वालों को जिंदगी की खुशियां बनाए रखने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत इस समय नजर नहीं आ रही। परेशानी है कि जिसे आप मेहनत समझ रहे हैं वो भी कोई ना कोई गलती भरा रास्ता है जिसे आप अपनाना चाह रहे हैं। निजी जीवन में अगर किसी भी तरह की तकरार की स्थिति बनेगी उससे भी आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्या करना चाहिए समय? सबसे पहले अपनी मुश्किलों का आंकलन करें ताकि आपको पूरी बात समझ में आ सके, फिर उन कमियों को एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए सुधारने की कोशिश कर लें जिसमें आपके अपनों का पूरा सहयोग बना रहे। इस तरह के तालमेल से ही आप अपने हालात को सुधार पाएंगे। तुला राशि वालों के अंदर कुछ भी बेहतर करने के लिए क्षमता बहुत पर उस अच्छाई को बनाए रखने के लिए एकाग्रता में कमी है। कम क्षमताओं वाले लोग भी अपनी एकाग्रता से बहुत कुछ पा लेते हैं। एक कदम आगे बढ़ा के अगर दो कदम पीछे हटा लिए जाएं तो उससे भी कोई लाभ होता नहीं है। क्या करना चाहिए समय? किसी विचार विमर्श में अपनी अच्छाई का दिखावा करने से बचें बल्कि दिल से उस अच्छाई को बनाने की कोशिश करें ताकि आपकी कमियों के बजाय आपकी अच्छाई ही उभर कर आए। ये हो रहा है कि आपकी किसी न किसी बात से लोग आपके खिलाफ ही होते चले जा रहे हैं जिसकी वजह से मुश्किलें बढ़ी रहे। वृश्चिक राशि वालों को बहुत सारा धैर्य बनाए रखना होगा, खासकर घर परिवार में अपने नजरिए को इस रूप से बनाना होगा जिसमें बहुत सारी अच्छाई भी हो और बहुत सारी विनम्रता भी हो ताकि लोग आपको भली भांति समझ सकें। यह समय पारिवारिक रिश्तों को संभालने के लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है। क्या करना चाहिए समय में? अगर आप ध्यानपूर्वक सोचें तो किसी का भी दिल जीतना आसान होता है बशर्ते आप अपने प्रयास ईमानदारी से कर पाएं। इस समय आपकी ओर से बहुत सारी कमियां हैं इसलिए इस प्रयास को थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ा लेने की जरूरत है। धनु राशि वालों की गलतियों के बावजूद आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है क्योंकि आपने किसी न किसी रूप से अपनी मेहनत को बनाए रखा है।
आपकी खुद की परेशानियों के बावजूद आपने अपनों के लिए अपने व्यवहार में सुधार लाया है। क्या करना चाहिए समय? जो पहले गलतियां हुई हैं आप धीरे धीरे उन्हें भी सुधारने का समय बनता चला जा रहा है। आपको इस बात का आभास हो चुका है कि दूर स्थान से जुड़ी इच्छाओं में भी कमियां हैं, इसलिए अपने नजरिए को फिर भी सुधार लेने का समय है। मकर राशि वाले ही समझ लें कि नुकसान अपनी वजह से भी होता है पर बहुत सारी परिस्थितियों में अपनों की वजह से भी होता है, और ऐसे में भरोसा टूटता चला जाए, ये बहुत स्वाभाविक सी बात। फिर भी जिंदगी के खेल को परिपूर्णता से देखना होगा और बहुत सारी चीज़ों को कबूल करके ही अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। क्या करना चाहिए समय में? अपनी मेहनत को आधार बना के चलना इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है, इसलिए कामकाज की स्थिति में भी धैर्य बनाए रखना होगा और अपने बढ़ते हुए खर्चों को भी लगाम देनी होगी। कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक है क्योंकि हालात आपकी मदद कर रहे हैं। अच्छाई ये भी है कि आप अपनी परेशानियों को संभालने के लिए विचारों का तालमेल भी बनाना चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज से जुड़ी कमियों को समझते हुए अपनी तवज्जो बढ़ा लें और अगर कोई नया विकल्प खुल रहा है तो उस बारे में भी सोच लें, पर इस बात को याद रखें कि सुधार लाने में वक्त लग सकता है। अपने मन में किसी भी तरह की उत्तेजना बनाते चले जाने से भी बचना होगा। मीन राशि वालों के बढ़ते हुए खर्चों का असर आपके कामकाज पर पड़ सकता है, इसलिए बहुत सारा उतार चढ़ाव बना रहे ऐसा हो सकता है, फिर भी योजना बनाकर चलना बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए समय में? हालात शायद आपसे आंख मिचौली खेल रहे हैं, लेकिन अपनी अच्छाई फिर भी एक दिशा में बनाए रखनी होगी और अपने प्रयास उसी रूप से बनाए रखने होंगे। अपने नजरिए को सही बनाए रखना आपकी अच्छाई है, जिस ओर ध्यान तो देना ही पड़ेगा।